विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद ने साथ नॉमिनेशन किया और उसके बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुजफ्फरपुर में आज जाम की स्थिति बनी रही। पूरे दिन मुजफ्फरपुर में आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के समर्थक डेरा डाले रहे। जी हां, आज नॉमिनेशन था विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद का। विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला यानी बाहुबली मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ताल ठोक रहे हैं। आखिरी वक्त में अजय निषाद कांग्रेस में आए और उन्होंने वहां से टिकट हासिल किया, बीजेपी का दामन छोड़कर आए हैं। और उसके बाद अगर मुन्ना शुक्ला की बात करें तो वैशाली से उन्हें टिकट मिला है आरजेडी का, यानी आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। साथ पहुंचे, साथ रैली हुई, रैली में तेजस्वी भी पहुंचे, कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और रैली में खूब हुंकार भरी गई। इसके बाद इन लोगों ने जो बातें कही, दरअसल मुन्ना शुक्ला ने दावा किया और साफ तौर पर कह दिया कि कोई टक्कर ही नहीं है वैशाली में। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बात करें तो उनका मुकाबला वीणा देवी से होने जा रहा है। वीणा देवी जो पहले भी सांसद हैं पहले से, और दिनेश सिंह की पत्नी हैं। दिनेश सिंह वहां के कद्दावर नेता हैं, तो दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी जो LJPR की कैंडिडेट हैं, यानी चिराग पासवान की कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ बाहुबली मुन्ना शुक्ला हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वैशाली में कोई टक्कर नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए आप। नॉमिनेशन रद्द किया है वैशाली से, नॉमिनेशन रद्द किया है, खुशी की बात है, हर्ष उल्लास की बात है, वैशाली में कितना चुनौती है सामने से। कोई लड़ाई नहीं है, सारा आरी डरे टूट चुका है। हम लोग आम आवाम के बीच गलबैया करने की स्थिति में हैं। आप लोग झूठ फूट के लड़ाई चुनौती की बात करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि वैशाली में 4 लाख पार और बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे यार, तो पूरा देश सुन रहा है। अबरी बार यहाँ जो है बिहार के 40 में जो है आपको 4 तारीख को दिखाएगा। वैशाली में जो रघुवंश बाबू के बचे हुए कार्य है उनको पूरा करने का काम करेंगे, वैशाली को विकास के चरम सीमा शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। आम आवाम गरीब गुरबा का जो वंचित काम है, जो बचा हुआ कार्य है उसको करने का। एयरपोर्ट की इच्छा रख रहे हैं लोग। एयरपोर्ट भी है हमारे यहाँ, हमारे बहुत इच्छा है। हमारे यहाँ वैशाली जो है, वैशाली जो है हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, मैं उसको चरम सीमा पर ले जाने का काम करूँगा, शिखर पर पहुँचाने का काम करूँगा, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित, पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जीत जाते हैं तो? पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो गरीब गुरबा का जो इंदिरा आवास बंद है, मनरेगा का मजदूर का जो रोजगार बंद है पहले, और वृद्धा पेंशन जो राष्ट्रीय हमारे देश के मापदंड पर आना चाहिए, पहले हमारा ये प्राथमिकता। रोजगार के मुद्दे को संसद में उठाएं। रोजगार है हमारे यहाँ, महंगाई है हमारे यहाँ, पलायन है हमारे यहाँ, विकास है हमारे यहाँ, जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे यहाँ, तो इन सब बातों पर ध्यान रहेगा और वैशाली विकास करेगा। वैशाली को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ विडम्बना रही 10 वर्षों से, जो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए वो तो वैशाली के बदले अपना विकास करने का काम। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि यहाँ कोई टक्कर नहीं है, वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा और अब काम भी होगा। जनता ने भरोसा किया है और अब जनता उन्हें जिताएगी और उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये तो बात हो गई मुन्ना शुक्ला की। अब बयान सुन लेते हैं अजय निषाद का भी, जो उन्होंने नॉमिनेशन के बाद कहा है, जो कुछ कहा है उन्होंने वो भी आप सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के तरफ से 4 सेट में मैंने नामांकन दाखिल किया हूँ। नामांकन सभा में माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान सहित जिले के तमाम विधायकगण, मंत्रीगण, MLC, पूर्व विधायकगण और तमाम वरिष्ठ सभी पार्टियां के नेतागण मंच पर उपस्थित थे। जनता का
देख रहे हैं जनसैलाब उतर पड़ा है। माननीय तेजस्वी यादव को, मुकेश जी को, सभी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, सभी को सुनने के लिए जनता बेताब थी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, मुजफ्फरपुर अस्त व्यस्त हो गया है। हमको लगता नहीं है कि अब मुजफ्फरपुर और वैशाली सीट जीतने में कोई अड़चन आएगी। अखिलेश जी का नाम था लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया, इसलिए नहीं आ पाए। सिटी जिस प्रकार की भीड़ दिखी वो वोट में दिखेगी, क्योंकि सभा में तो भयानक भीड़ थी। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का भीड़ है। ये जो भीड़ है वो सोता आया है, अपनी इच्छा से आया है। हम लोग प्लांट नहीं किए हैं भीड़ को, जब अपने प्लांट करते थे क्या? नहीं, इससे पहले जो है अपनी इच्छा से आते हैं, जो स्वेच्छा से वोट कर पाएंगे वोट में आप 100% करेंगे। और जो लोग का गुमान है ये इतना लेंगे इतना लेंगे इतना लेंगे, 40 के 40 सीटों जीतेंगे, सबका गुमान टूट जाएगा, अहंकार भी टूट जाएगा। और हो सकता है तो सभी को जो जो अहंकार भरा बयान दे रहे हैं बीजेपी बिहार के, सभी को हो सकता है इस्तीफा भी देना पड़े। क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा अब समीकरण चेंज हो गया है, अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता की जो प्राथमिकता आएगी उसके हम करेंगे। तो सुन लिया आपने, अजय निषाद ने भी दावा किया है और कहा है कि उल्टी अब धारा बह रही है, मैं पहले एनडीए में था अब इंडिया में आ गया हूँ, 10 साल से सांसद हूँ और यहाँ मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन डूबने नहीं देगा। तो निषाद समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं, तो वैसी स्थिति में आज मुजफ्फरपुर में मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद ने नॉमिनेशन किया, जनता के बीच हुंकार भरी और इस दौरान काफी भीड़ देखी गई, लोगों का समर्थन जबरदस्त मिला और उसके बाद अब दोनों ने ही जीत का दावा कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि कोई नहीं है टक्कर में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।